गुड इवनिंग। आज है 18 अप्रैल और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 मिनट के अंदर मैं स्टॉक मार्केट का रैपअप आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। 5 मिनट में मोटा मोटी एक इंडिकेशन दूँ कि मार्केट के अंदर में आज क्या हुआ, क्या चला, क्या नहीं चला और मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो फटाफट अपना वीडियो बंद करता हूँ और आपके लिए स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। मार्केट का डायरेक्शन मोटा मोटी आवरली चार्ट में देखें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो ये चार्ट एक डायरेक्शन बताता है मार्केट का। निफ्टी जो है ऊपर के लेवल पे कंजेशन पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ है और यहीं पर ही खड़ा है। कोशिश किया था कल, देखो आप टुवर्ड्स द एंड मार्केट में एक तेजी आई थी, एक रिकवरी आई थी, बट आज सुबह वापस से मार्केट के अंदर में एक रेड कैंडल बना। जैसे कल सुबह बना था वैसे आज सुबह रेड कैंडल बना और आज मार्केट इस कैंडल के नो लो के नीचे क्लोज किया है, विच इज डेफिनेटली अ वरी साइन। लेकिन आप यहां देखिए बैंक निफ्टी कितनी जबरदस्त स्ट्रेंथ अभी भी बैंक निफ्टी दिखा रहा है। आज का लो, पहला कैंडल के लो के नीचे, दिस इज द कैंडल, आज का पहला कैंडल का लो के नीचे मार्केट नहीं बंद हुआ, स्ट्रेंथ है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी देखिए कितनी स्ट्रेंथ है। तो ओवरऑल निफ्टी वीक था लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप और बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में एक स्ट्रेंथ नजर आई है। तो यही आपको यहां पर दिखेगा, देखिए निफ्टी लाल, बैंक निफ्टी फ्लैटिश ग्रीन, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप प्लस। और अगर आप पिछले एक वीक का परफॉर्मेंस देखें तो बैंक निफ्टी 2.2%, मिड कैप 2% और निफ्टी 0.4% माइनस। अगर टॉप स्टॉक्स की बात करें निफ्टी के अंदर में कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने स्ट्रेंथ दिखाया आज, तो गेनर के अंदर में डीवीज लैब, एचसीएल टेक, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, सिप्ला, विप्रो, डॉक्टर रेड्डी, ये सब स्टॉक्स है जिन्होंने फ्लैटिश पॉजिटिव बायस से क्लोज किया। और आज करेक्शन के अंदर में वो स्टॉक्स है जो थोड़ा ऊपर हुए थे लास्ट एक दो दिन में और करेक्ट हुए। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा हमने स्टॉकेज में ऐड किया, वो एग्रीगेट डिलीवरी। तो निफ्टी के स्टॉक्स में एग्रीगेट डिलीवरी कल काफी हाई था, ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ का डिलीवरी निफ्टी के स्टॉक्स में हुआ है जो कि तकरीबन 26,000, 22,000, 20,000, 25,000 के रेंज में रहता है। तो कल जो मार्केट में हल्का सा कमजोरी आई थी उसका फॉलो ऑन कमजोरी आज आई है क्योंकि लग रहा है कल डिलीवरी बेस इंडाइसेस के अंदर में कुछ सेलिंग हुई है। यही मैं अगर बैंक निफ्टी को ट्रैक करूं और उसके एग्रीगेट डिलीवरी को देखूं तो कल भी वहां पर भी अच्छी खासी डिलीवरी। तो ओवरऑल इंडाइसेस के अंदर में कल डिलीवरी बढ़ी है, हो सकता है डिलीवरी पॉजिटिव की तरफ हो, नेगेटिव मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी की तरफ है और निफ्टी के अंदर में हल्का सा नेगेटिविटी है। लेकिन मैं अभी भी वापस से उसी कैंप को बिलोंग करता हूँ जो कहता है कि निफ्टी का ये जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 15,17,525, इसके नीचे मार्केट जाने की संभावना कम है, देखते हैं क्या होता है। स्टॉक्स के अंदर में काफी एक्टिविटीज है, ऐसे कई स्टॉक्स है जिनमें मोमेंटम दिख रहा है, तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर में मैं मोमेंटम ढूंढता हूँ। यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई कि रियल एस्टेट के अंदर में मोमेंटम है और एनर्जी स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर मोमेंटम है। और वॉल्यूम शॉकर अगर देखें तो कुछ कुछ स्टॉक्स है जहां पर अच्छी खासी वॉल्यूम बेस एक्टिविटी दिख रही है, जैसे स्टॉक्स लाइक इंजन वन एक्सेट्रा। एक्चुअली वॉल्यूम होने का एक और कारण है कि इन स्टॉक्स के अंदर में रिजल्ट्स है, तो अगर आप रिजल्ट कैलेंडर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स है इनके अंदर में एक्टिविटी है क्योंकि रिजल्ट का इनके अंदर में एक्शन है। जैसे क्रिसल, क्रिसल का रिजल्ट था इसलिए 4% आज डाउन हुआ, लेकिन ओवरऑल स्टॉक्स जो है अगर आप स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ऑल्दो रिजल्ट्स इसका मोर ऑर लेस सैटिस्फैक्ट्री नहीं है, बट अगर आप स्टॉक स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आज भी आरएसएस का स्ट्रांग है, तो देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप स्टॉक में काम करते हैं तो रिजल्ट्स पे डेफिनेटली नजर रखिएगा। टाटा कॉफी, एक्रिल, क्रिसल, ये सब कुछ कंपनीज है जिनके रिजल्ट आए हैं, जस्ट डायल इनके रिजल्ट्स आए, एंजल वन के रिजल्ट्स आए, काफी इंप्रेसिव है। तो जो जो रिजल्ट्स ओरिएंटेड स्टॉक्स है उनमें प्राइस एक्शन दिखेगा और जिनके रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड थे या जो क्वार्टरली अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, जैसे ये फीपा स्कैन है जिसमें मैं देखता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स है जो करंट पीरियड में अच्छा रिजल्ट दे, जैसे एचडीएफसी बैंक ये करंट पीरियड में अच्छा रिजल्ट दिया है, तो चांसेस है इन स्टॉक्स के अंदर में एक मोमेंटम बाइंग आ जाए। तो मोमेंटम बाइंग रहे तब तक इस पर पार्टिसिपेट करना है, नहीं तो हमको इससे दूर रहना है। सो मोर लेस मार्केट का व्यू अभी वही है, निफ्टी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बैंक निफ्टी पॉजिटिव और देखते हैं किन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम है, उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना है। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है बट डेफिनेटली कॉशियस हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं घनघोर तेजी खेल रहा हूँ, बिकॉज ऊपर में 18,200
वो लेवल के ऊपर में एक बड़ी तेजी मार्केट में आ सकती है, बट अभी ये रेंज पे मार्केट पॉजिटिव बायसनेस के साथ ही अपने को ट्रेड करना है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे टुमारो।